गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स वो आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल. माई सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पी जी कॉलेज चूरू. इन द लेक्चर सीरीज ऑफ एंटोमोलॉजी टूडे आई विल डिलीवर माई टॉक ऑन माउथ पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. जैसा कि आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी पे एक विशेष लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है. इस लेक्चर सीरीज में पूर्व में क्लासिफिकेशन और हेड मॉर्फोलॉजी, एंटीना की मॉर्फोलॉजी पे व्याख्यान है वो डिलीवर हो चुके हैं और इन व्याख्यान को महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है. इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो समय समय पर चैनल को आप देखते रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे. आज का जो मेरा व्याख्यान रहेगा दैट इज़ माउथ पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. अब क्वेश्चन है कि माउथ पार्ट्स क्या है, माउथ पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, माउथ पार्ट्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है और इनके मॉडिफिकेशंस के पीछे रीजन क्या है, सबसे प्रिमिटिव टाइप के माउथ पार्ट्स कौन से हैं और सबसे रिसेंट जो है वो माउथ पार्ट्स कौन से हैं. तो सबसे पहले माउथ पार्ट्स क्या है कि इंसेक्ट के हेड कैप्सूल में माउथ के चारों ओर पाई जाने वाली वे समस्त रचनाएं जो इंसेक्ट को फीडिंग और इंजेक्शन में सहायता करती है, ऐसी रचनाएं माउथ पार्ट्स के नाम से जानी जाती है. मीन्स माउथ पार्ट्स इज एन एसोसिएशन ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन हेड कैप्सूल एंड विच आर हेल्पफुल इन द इंजेक्शन एंड अपटेक ऑफ फूड इन टू द माउथ कैविटी. तो हेड कैप्सूल में या माउथ के चारों ओर पाई जाने वाली वे रचनाएँ जो इंसेक्ट को फीडिंग प्रोसेस में सहायता करती है, ऐसी रचनाएँ माउथ पार्ट्स कहलाती है. अब अलग अलग इंसेक्ट की फीडिंग नेचर अलग अलग तरह की है. अपने घरों में जैसे तिलचट्टे देखे होंगे, क्रिकेट देखी होगी, मच्छर देखे होंगे, गाय भैंसों की स्किन पे भी अनेक तरह के पेस्ट हैं वो लगे रहते हैं. हर इंसेक्ट की फीडिंग प्रोसेस है वो अलग अलग तरह का है. कुछ इंसेक्ट भोजन को काट के और चबा के खाते हैं, कुछ इंसेक्ट भोजन को चबा के और लपेट के खाते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो चूस के खाते हैं. तो इन फीडिंग हैबिट की बेसिस पे माउथ पार्ट जो है वो पांच प्रकार के होते हैं. इसमें मेनली जो माउथ पार्ट्स की जो टाइप है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, ये काटने वाले और चबाने वाले माउथ पार्ट्स हैं. चीविंग एंड लैपिंग टाइप, ये चबाने वाले और लपेट के खाने वाले माउथ पार्ट्स हैं. पर्सिंग एंड सपिंग टाइप, ये भेदने वाले और चूसने वाले माउथ पार्ट्स हैं. ये स्किन के अंदर या प्लांट के स्टेम के अंदर पंक्चर करेंगे अपने प्रोबोसिस के द्वारा और पंक्चर करके उस फ्लूइड को ये सक करते हैं. और ये पर्सिंग और सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट है ये भी दो तरह के होते हैं. एक तो डिप्टेरस टाइप, इसमें जितने भी मच्छर हैं मच्छर अपने जैसे स्किन के अंदर पंक्चर करते हैं, खून चूस लेते हैं, तो डिप्टेरस टाइप में इस तरह के माउथ पार्ट्स होंगे. इसके अलावा हेमिप्टेरस टाइप, ये जो इंसेक्ट है ये प्लांट के स्टेम के अंदर पंक्चर करते हैं और जाइलम के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को ये शक करते हैं. साइफनिंग टाइप, इसमें कोई साइफन जैसी स्ट्रक्चर होती है जो चूसती है जैसे बटरफ्लाइज के अंदर. और स्पंजिंग टाइप, तो फीडिंग हैबिट की बेसिस पे माउथ पार्ट जो है वो पांच तरह के हो गए, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, चीविंग एंड लैपिंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, साइफनिंग टाइप और स्पंजिंग टाइप. इनमें सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो माउथ पार्ट्स है, ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी जब इंसेक्ट की ओरिजिन हुई तो सबसे पहले जो इंसेक्ट डेवलप हुए उनके अंदर जो माउथ पार्ट्स थे वो काटने वाले और चबाने वाले प्रकार के थे. इसलिए इनमें सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं वो हैं बाइटिंग और चीविंग टाइप. और बाकी के जो माउथ पार्ट्स हैं उनकी ओरिजिन बाइटिंग और चीविंग टाइप से हुई है, क्योंकि जो जो इंसेक्ट में इवोल्यूशन होता गया, जो जो इंसेक्ट में डाइवर्सिफिकेशन होता गया, उनकी फीडिंग हैबिट चेंज होती गई और फीडिंग हैबिट चेंज हुई तो इनके माउथ पार्ट्स में भी अनेक तरह की अडेप्टिव जो चेंजिंग है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी. तो एक एक करके मैं सभी माउथ पार्ट्स को फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूँगा.
सबसे फर्स्ट टाइप दैट इज बाइटिंग एंड चिविंग टाइप, काटने वाले और चबाने वाले मुखांग। बाइटिंग और चिविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं इनके अंदर मुख्य रूप से 6 स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, या एक जो माउथ पार्ट होता है उसके अंदर ये 6 रचनाएं होनी चाहिए। लेकिन जो जो इन माउथ पार्ट्स के अंदर डेवलपमेंट होगा, एडवांसमेंट होगा, कुछ स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड हो जाती है, कुछ स्ट्रक्चर वेस्टिजियल हो जाती है, कुछ स्ट्रक्चर विलुप्त गायब भी हो जाती है। तो ये सबसे सिंपल टाइप का जो माउथ पार्ट्स है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स, इसमें 6 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसके अंदर लेब्रम, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज लेब्रम, सेकेंड स्ट्रक्चर एपीफेरिंक्स, थर्ड स्ट्रक्चर मैंडिबल, फोर्थ स्ट्रक्चर मैक्सिली, फिफ्थ स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंक्स, और छठी जो पार्ट है इसमें दैट इज लेबियम। इन सभी पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ये जो मैंने यहाँ पर जो फिगर लिया है ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स का है, क्योंकि कॉकरोच की ओरिजिन बहुत प्रिमिटिव है। इसके जो मुखांग हैं सबसे हाईली अडेप्टेड हैं, हाईली प्रिमिटिव टाइप के हैं, और इन्हीं माउथ पार्ट से अन्य माउथ पार्ट्स की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ लेब्रम। लेब्रम जो होता है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और पीछे जब हेड कैप्सूल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी तो हेड कैप्सूल के अंदर आपने देखा होगा उसके अंदर वर्टेक्स होती है, फ्रॉन्स होती है, फ्रॉन्स के नीचे क्लाइपियस होती है, और क्लाइपियस का जो बेसल पार्ट है, बॉर्डर है, वहाँ पर ये लेब्रम नामक रचना जुड़ी रहती है। लेब्रम जो है ये एक फ्लैप स्ट्रक्चर है, एक पत्ती के समान, चपटी पत्ती के समान रचना है। इनके अंदर लेटरल मोमेंट नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंट होती है, वो भी लिटिल, बहुत ज़्यादा अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंट नहीं है, थोड़ी लिटिल अमाउंट की इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंट इसके अंदर पाई जाती है। और इस लेब्रम के अंदर बीच में एक हल्की सी खांच भी पाई जाती है, इसको बोलते हैं नॉच। अब इस लेब्रम के दोनों ओर मैंडिबल्स होते हैं, और मैंडिबल्स में जो मोमेंट है वो लेटरल साइड में होती है, हैं जिस तरह कैंची जैसे होती है घास काटने की, दूब काटने की, पत्तियां काटने की, तो कैंची की तरह ये मैंडिबल लेटरल साइड में मोमेंट करते हैं। और ये जो लेब्रम होता है ये एक तरह से इनको पाइवोट प्रदान करता है, एक तरह से चपटी सरफेस प्रोवाइड करता है, और फूड की बाइटिंग में ये मैंडिबल जो होते हैं ये भोजन को फिर काटने के अंदर क्या है हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये माउथ पार्ट्स का फर्स्ट पार्ट है दैट इज लेब्रम। लेब्रम के बाद में सेकंड स्ट्रक्चर दैट इज एपीफेरिंक्स। एपीफेरिंक्स जो होती है इसकी ओरिजिन माउथ पार्ट्स की बकल कैविटी की छत से होती है, और ऐसा मानते हैं कि एपीफेरिंक्स जो है ये लेब्रम की वेंट्रल सरफेस के ऊपर अटैच्ड है इनसेपरेबली, यानी अलग से ये आपको दिखाई नहीं देगी, आप अलग से इसको लोकेट नहीं कर पाओगे, लेकिन लेब्रम की वेंट्रल सरफेस के ऊपर एपीफेरिंक्स जो होती है बहुत छोटी रचना वो इसके साथ अटैच रहती है, और इसको एक तरह से स्वादग्राही रचना के रूप में भी इसको मानते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड एज गस्टेटरी स्ट्रक्चर्स, एज ए गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो लेब्रम की वेंट्रल सरफेस में एपीफेरिंक्स है वो प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है इसका दैट इज मैंडिबल। ये मैंडिबल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, विशेषकर बाइटिंग और चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स में। तो इन इंसेक्ट में मैंडिबल जो है वो त्रिकोणाकार है, पिरामिड के समान है। इसका जो आउटर एज जो है ये पॉइंटेड होता है, कॉनिकल होता है, त्रिकोणाकार होता है। इसका जो इनर एज है उसके ऊपर ये स्पाइंस पाए जाते हैं, दांते पाए जाते हैं, और ये दांते भोजन को काटने में हेल्पफुल होते हैं। अब पिछले जो व्याख्यान में हेड कैप्सूल के व्याख्यान में आपने देखा था कि मैंडिबल्स जो होते हैं वो जीनी के साथ अटैच रहते हैं, यानी जैसे वर्टेक्स हो गया, फ्रॉन्स हो गया, उसके बाद साइड में जीनी है, उसके नीचे क्लाइपियस है, तो जीनी के जो पॉइंट हैं, जीनी का जो बेसल पार्ट है वहाँ पर इन मैंडिबल्स का ये वाला जो पार्ट है ये फर्मली अटैच रहता है। और इस मैंडिबल की मोमेंट्स के लिए, मैंडिबल में चूँकि अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंट नहीं है,
अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है तो वो मांसपेशी इसमें नहीं पाई जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, ये कैंची की तरह ये मोमेंट, ये इस तरह मोमेंट करते हैं। तो मैंडिबल लेब्रम की तरफ आते हैं, मैंडिबल लेब्रम से दूर जाते हैं। तो इस मोमेंट के लिए इनके अंदर दो तरह की मांसपेशियाँ हेल्पफुल होती है, जिसमें एक तो मसल्स हैं अबडक्टर मसल, वन इज अबडक्टर मसल, और सेकंड जो मसल है वो है अडक्टर मसल। अबडक्टर का मतलब है अवे फ्रॉम द बॉडी। अबडक्टर मसल जो होती है वो मैंडिबल्स को यूँ ले जाती है आउटर डायरेक्शंस में, और अडक्टर मसल जो होती है ये मैंडिबल को भीतर की तरफ लाती है। तो जिस तरह कैंची के जो ब्लेड इस तरह चलती है, उस तरह ये मैंडिबल भी लेटरल साइड में अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द वॉइड ये मोमेंट करता रहेगा। और इस मोमेंट में ये दो मांसपेशियाँ हेल्पफुल होती है, अबडक्टर मसल्स हैं ये मैंडिबल्स को बॉडी से दूर ले जाती है, और अडक्टर मसल है ये मैंडिबल्स को एक दूसरे की तरफ लाती है। इस क्रॉस मोमेंट के कारण क्या होगा, ये जो दांते हैं है, ये दांते काइटिनस हैं, स्क्लेरोटाइज्ड हैं, बहुत सख्त होते हैं, काफ़ी पॉइंटेड होते हैं, और एज ए ग्राइंडिंग मशीन की तरह ये कार्य करते हैं, और भोजन की कटिंग में ये मेनली हेल्पफुल होते हैं। अब मैंडिबल के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज मैक्सिली, और मैक्सिली को कई बार सेकंड जबड़े के रूप में भी काउंट करते हैं। पहला जबड़ा वो तो जैसे मैंडिबल हो गया, और यहाँ पर जो मैक्सिली है इसको सेकंड जॉ के रूप में काउंट करते हैं, और इसकी रचना जो है वो काफ़ी मॉडिफाइड हो जाती है फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो प्रत्येक मैक्सिली जो है उसके अंदर मेनली तीन पार्ट होते हैं, एक तो कार्डो फॉस्फाटिस कार्डो जो कि सिंगल सेगमेंटेड होता है, सेकंड पार्ट इज स्टाइपीज ये भी सिंगल सेगमेंटेड होता है, और तीसरा पार्ट होता है पेल्पीफर। इस पेल्पीफर से 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पेल्प जो होती है वो निकली रहती है। इस पेल्पीफर के भीतर इसके अंदर दो छोटे छोटे लोब और पाए जाएंगे, जिसमें मैक्सिली के भीतर की तरफ जो लोब होता है इसको तो बोलते हैं लेसिनिया, और आउटर जो लोब होते हैं इसको बोलते हैं गैलिया। तो मैक्सिला की सिंपल स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कार्डो स्टाइपीज, स्टाइपीज के पास में पेल्पीफर होता है, पेल्पीफर से मैक्सिलरी पल्प है वो लगी रहती है, और मैक्सिलरी पल्प के इनर साइड में दो लोब हैं छोटे छोटे, जिसमें इनर लोब इसको लेसिनिया के नाम से जाना जाएगा, और आउटर लोब है इसको गैलिया के नाम से जाना जाएगा। अब इस मैक्सिली का मेन फंक्शन जो है ये क्या होता है, एज ए हाथ की तरह काम करती है। जिस तरह अपन भोजन खाते हैं तो हाथ से भोजन को पकड़ के अपने माउथ की तरफ ले आते हैं, उसी तरह कॉकरोच वगैरह जो होते हैं ये फीडिंग मटेरियल को इन मैक्सिली की सहायता से क्या होंगे पकड़ेंगे, और पकड़ के वो माउथ की तरफ लेके आते हैं। तो फूड एंगल्फिंग में, भोजन को निगलने में, भोजन को ओरल कैविटी तक लाने में इन स्ट्रक्चर्स का यूज होता है, और इनको सेकंड टीथ के नाम से, सेकंड जो के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ हाइपोफेरिक्स, और हाइपोफेरिक्स ये छोटी जीभ के समान रचना है, इट इज़ ए टंग लाइक स्ट्रक्चर, ये बकल कैविटी के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर भी रिसेप्टर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। तो एपीफेरिंक्स हैं वो तो बकल कैविटी की छत की तरफ होगी, हाइपोफेरिंक्स जो होती है वो बकल कैविटी के फर्श की तरफ होती है, और एक तरह की ये स्वादग्राही जो रचनाएं हैं एक तरह के गस्टेटो रिसेप्टर्स का ये कार्य करती है। और लास्ट पार्ट जो है इसमें दैट इज़ लेबियम, और लेबियम जो है ये वैसे तो सिंगल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो ओरिजिन है वो दो स्ट्रक्चर के फ्यूजन से हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो लेब्रम सिंगल है, इसकी संख्या एक है, एपीफेरिंक्स की संख्या एक है, हाइपोफेरिंक्स की संख्या एक है, मैंडिबल की संख्या दो है यानी एक जोड़ी के रूप में, मैक्सिली ये एक जोड़ी के रूप में होती है, यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं एक पार्ट, ये जैसे मान लो लेफ्ट साइड की है तो ये तो इधर राइट साइड की, और ये जो लेबियम है ये डेवलपमेंट से पहले हो सकता है ये अलग स्ट्रक्चर के रूप में हो, लेकिन जो जो डेवलपमेंट होगा इनका फ्यूजन हो जाता है,
इसलिए लेबियम को आप माइक्रोस्कोप में यदि देखो तो इसके बीच में आपको एक पतली हल्की खांच दिखाई देगी, एक तरह की एक क्लेफ्ट दिखाई देगी। ये हल्की खांच इस बात को इंडिकेट करती है कि लेबियम की जो ऑरिजिन है, लेबियम की जो निर्माण है, वो दो युग्मित रचनाओं के फ्यूजन से होती है। इसलिए स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में भी लेबियल पल्प है, राइट साइड में भी लेबियल पल्प है, जबकि मैक्सिला में आप देख रहे हो एक मैक्सिलरी पल्प है, राइट साइड में उसका मैक्सिलरी पल्प है, लेकिन इस लेबियम में इधर भी लेबियल पल्प है, इधर भी लेबियल पल्प है। और इस पूरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, वो देखने को मिल रही है। अब इस लेबियल पल्प के अंदर इसका जो बेसल पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं सबमेंटम। सबमेंटम के ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मेंटम, मेंटम के आगे का जो पार्ट है ये कहलाता है प्रीमेंटम, और प्रीमेंट के बाद में एक लंबा ब्लेड के समान लंबा चपटा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के भी दो पार्ट हैं, पेरिफेरी की तरफ इसको बोलेंगे पैराग्लोसा, और इस सूचर के निकट का जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोसा। अभी स्ट्रक्चर से आपको एकदम क्लियर कट आइडिया लग रही है कि लेबियम की जो ऑरिजिन है, लेबियम की जो फॉर्मेशन है, वो एक युग्मित रचना के फ्यूजन से हो रही है, पेयर्ड स्ट्रक्चर के फ्यूजन से हो रही है। हालांकि इसकी संख्या एक है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो निर्माण हो रहा है वो एक जोड़ी रचनाओं के आपस में फ्यूजन से हो रहा है, आपस में संगलन से हो रहा है। तो इस तरह एक सिंपल टाइप का जो माउथ पार्ट है बाइटिंग और च्यूइंग टाइप, इस माउथ पार्ट में टोटल ये छः रचनाएँ हो गई है। लेब्रम जो कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। एपिफेरिंग्स है वो लेब्रम से फर्मली फ्यूज होता है, दिखाई नहीं देता है क्योंकि वेंट्रल सरफेस पे होता है। मैंडिबल एक जोड़ी होते हैं, पिरामिडल शेप होते हैं, इनके अंदर लेटरल मूवमेंट होती है एबडक्टर मसल और एडक्टर मसल्स के द्वारा। मैक्सिली एक जोड़ी होती है, इनको सेकेंड जोड़ी जबड़े के रूप में भी इसको काउंट करते हैं। हाइपोफेरिंग्स बकल कैविटी के फर्श पे है और एक तरह का ये गस्टेटरी स्ट्रक्चर है। और लेबियम जो होती है इसकी फॉर्मेशन एक जोड़ी स्ट्रक्चर के फ्यूजन से होती है, इसलिए ये बायरेमस टाइप की रचना है और एक तरह से बाइलेटरल सिमेट्री जैसे होती है वो संरचना इसके अंदर प्रकट होती है। अब इस बाइटिंग और चीविंग टाइप से फिर आगे के जितने भी मुखांग हैं उन सब की ओरिजिन इस बेसिक टाइप से हुई है। तो जो जो इंसेक्ट की फीडिंग हैबिट चेंज होती गई, इनकी माउथ पार्ट की जो स्ट्रक्चर है, इनके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं, इनके अंदर जो अडेप्टेशंस हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की जो वेरिएशंस हैं वो इसके अंदर डेवलप होती गई। सो ये सबसे पहला माउथ पार्ट था, दैट वाज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। अब इसका सेकंड जो माउथ पार्ट है दैट इज च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, चबाने वाले और लपेटने वाले। सेकंड टाइप जो माउथ पार्ट्स है दैट इज च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, चबाने वाले और लपेटने वाले। ये माउथ पार्ट्स की ओरिजिन भी बाइटिंग और च्यूइंग टाइप से हुई है। और ये जो मुखांग होते हैं ये हनी बी के अंदर, मधुमक्खी के अंदर, वाष्प के अंदर पाए जाते हैं, और इनका मेन काम होता है वैक्स को मोल्ड करना, क्योंकि मधुमक्खी है तो मोम का जैसे छाता बनाती है, वाष्प जो होते हैं वो कागज़ के जैसे अपने छाते हैं वो घोंसले बनाते हैं। तो मोल्डिंग के लिए इन माउथ पार्ट्स का यूज होता है, और इसके अलावा नेक्टार कलेक्ट करने में भी इनका यूज होता है। ये जो मुखांग है ये आप देख रहे हो ये हनी बी का है, मधुमक्खी के मुखांग को मैंने इसमें दिखाया है। ये इसमें क्लाइपियस है वेल डेवलप्ड होती है, एंटीना वेल डेवलप्ड होती है, लेब्रम है वो छोटा है रिड्यूस्ड होता है, और मैंडिबल है ये भी इसके अंदर रिड्यूस्ड होते हैं। मैक्सिली पेल्प है ये लंबी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और ग्लोसा जो होता है ये फ्लेबिरम के रूप में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसमें लेब्रम जो होता है पहली जो स्ट्रक्चर ये च्यूइंग टाइप की होती है, यानी पहले वाला जो माउथ पार्ट था कॉकरोच का, तो इसमें लेब्रम जो है ये च्यूइंग टाइप की होती है। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट जो एपिफेरिंक्स, एपिफेरिंक्स जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और एक लंबे पाइप रूपी रचना के रूप में ये लटकी रहती है। इसके बाद में इसके जो एपिफेरिंक्स जो होती है, एपिफेरिंक्स काफ़ी रिड्यूस्ड होती है, और मैंडिबल जो है ये इसके अंदर
चबाने वाले मुखांके जैसे होते हैं, चीविंग टाइप जैसे होते हैं। मैक्सिला जो होती है वो इसके अंदर इलोंगेटेड होती है और कई बार आपस में जो है वो फ्यूज होके प्रोबोसिस जैसी टंग रूपी रचना के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और मैक्सिली है वो इसके अंदर रिड्यूस्ड हैं, काफ़ी छोटे आकार की है। हाइपोफेरिंग्स जो है ये क्लियर कट विजिबल नहीं होती है और इससे मुखांग की जो एडवांसमेंट इसका जो है ऑरिजिन है वो इससे प्रिमिटिव टाइप के मुखांग से हुई है, बाइटिंग और चीविंग टाइप के। तो इसमें कुछ रचनाएँ हैं वो तो बाइटिंग और चीविंग टाइप के माउथ पार्ट जैसी हैं और कुछ रचनाएँ फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई हो जाती है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो होती है वो फूलों से नेक्टार कलेक्ट करके लाती है, उन नेक्टार को चबाती है, उनको डाइजेस्ट करती है, उनसे शहद बनाती है, इसके साथ साथ में अपना नेस्ट भी बनाती है। तो हनीबी का जो नेस्ट है वो मोम का बना होता है और वैस्प का जो नेस्ट होता है वो कागज़ का बना होता है, पेपर वास्प जो होता है। हालांकि मड वास्प भी होते हैं, वो मिट्टी से अपना नेस्ट बनाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पेपर वास्प जो पॉलिस्टर जो है येलो कलर का जो है वो कागज़ के द्वारा अपना नेस्ट बनाता है। तो ये सेकेंड टाइप का माउथ पार्ट, दैट इज चीविंग एंड लैपिंग टाइप। अब इसके बाद में इसका तीसरा जो माउथ पार्ट आएगा, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, यानी भेदने वाले और चूसने वाले। अब चूसने वालों में खून चूसने वाले इंसेक्ट भी हैं, जैसे मच्छर है, एनोफ्लीज है। इसके अलावा फलों के प्लांट्स के जो जाइलम में जो फ्लूड होता है उस फ्लूड को ये सक करने वाले भी हैं। तो कुछ इसमें ब्लड सकिंग इंसेक्ट हैं, कुछ इसमें फाइटोफेगस टाइप के हैं, वो प्लांट के सैप को चूसने वाले हैं। तो पर्सिंग और सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं वो दो प्रकार के हो जाएंगे। खून चूसने वाले इंसेक्ट में इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग तरह की होगी और पौधों में जाइलम को चूसने वाले, प्लांट सैप को चूसने वाले माउथ पार्ट्स की स्ट्रक्चर अलग तरह की होगी। तो तीसरी टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं दैट इज पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, भेदने वाले और चूसने वाले। ये माउथ पार्ट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिप्टेरस टाइप है जो कि ऑर्डर डिप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं, और हेमिप्टेरस टाइप जो हेमिप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं। इस तरह के जो माउथ पार्ट्स होते हैं मुख्यतः बग्स के अंदर, इसके अलावा थ्रिप्स, जितने भी स्केल इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा फ्लियाज और डिप्टेरा में जो इंसेक्ट्स हैं उनके सदस्यों में ये माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इस बेसिस पे ये मुखांग दो तरह के हो जाएंगे, एक तो डिप्टेरस टाइप और दूसरा हो जाएगा हेमिप्टेरस टाइप। डिप्टेरस टाइप का जो माउथ पार्ट्स होता है इसके अंदर लेबियम जो होता है ये मांसल रचना होती है, इलोंगेटेड होती है, इसके अंदर एक डॉर्सल ग्रूव भी पाई जाती है। एपीफेरिंक्स जो होती है वो इसके अंदर लेब्रम और एपीफेरिंक्स ये दोनों आपस में मर्ज हो जाती है और एक तरह से एक ढक्कन के समान काम करती है, और इस माउथ पार्ट्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर एक तरह से लिड का, एक तरह से एक ये मान लीजिए कॉन्वेक्स कवरिंग के रूप में ये स्ट्रक्चर है वो काम करती है। मैंडिबल है ये नुकीले होते हैं, नीडल के समान होते हैं, लेकिन मैंडिबल केवल फीमेल में ही पाए जाएंगे, मेल के अंदर ये रचनाएँ नहीं पाई जाती है। मैक्सिली जो होती है ये भी पॉइंटेड नीडल के समान है और ये स्किन को पंक्चर करने में काम में आती है। मैक्सिली जो होती है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। और इस तरह के जो मुखांग हैं ये जितने भी मच्छर हैं, क्यूलक्स है, एनोफ्लीज है, उसके अंदर इस तरह के मुखांग हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये खून चूसने वाले इंसेक्ट हैं और इसमें जो फीमेल होती है वही बाइट करती है, मेल जो होते हैं वो जनरली बाइट नहीं करते इसमें। और सेकंड जो टाइप है हेमिप्टेरस टाइप, हेमिप्टेरस में आप देख रहे हो इसके अंदर लेब्रम है, काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाता है, एपीफेरिंक्स इसमें एब्सेंट होती है, हाइपोफेरिंक्स एब्सेंट होती है, मैंडिबल है ये नुकीला नीडल के समान है और प्रोटेक्टाइल होता है, रिट्रेक्टाइल होता है, यानी इसमें प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी, रिट्रेक्ट करने की दोनों कैपेसिटी है। मैक्सिली है ये भी पॉइंटेड होती है नीडल के समान, ये भी प्रोटेक्टाइल होती है, रिट्रेक्टाइल होती है, और लेबियम जो है ये लंबी प्रोबोसिस के समान रचना है और मांसल रचना होती है और पंक्चर करने में, सक करने में इसका मेन यूज होता है। तो ये जो माउथ पार्ट है ये हेमिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है और हेमिप्टेरियन होते हैं ये जनरली
फाइटोफेगस होते हैं, यानी प्लांट का जो जूस होता है उसको ये चूसने का काम करते हैं, जबकि डाइप्टेरा के जो सदस्य हैं ये एनिमल जनरली एनिमल्स का जो ब्लड होता है उसको चूसने का काम करते हैं। तो ये तीसरी टाइप का मुखांग था, दैट इज़ पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, यानी भेदने वाले और चूसने वाले। अब इसमें जो चौथी जो टाइप है वो आएगी साइफनिंग टाइप। नेक्स्ट टाइप का जो माउथ पार्ट है दैट इज साइफनिंग टाइप। हाँ, इस तरह का जो माउथ पार्ट्स होता है ये मुख्य रूप से बटरफ्लाई और मोथ के अंदर पाया जाता है, और फूलों के नेक्टार को चूसने में इसका यूज होता है एज ए साइफन। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये माउथ पार्ट्स, ये बटरफ्लाई का माउथ पार्ट्स है साइफनिंग टाइप का। इस माउथ पार्ट्स के अंदर लेब्रम रिड्यूस्ड होता है, मैंडिबल इसमें एब्सेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर भोजन को काटने और चबाने जैसा यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। मैक्सिलरी पल्प यहाँ पर वेल डेवलप्ड होती है, और मैक्सिला जो होती है वो एक लंबे सूंड के समान रचना, जिस तरह हाथी में जैसे प्रोबोसिस होता है सूंड होता है, उस तरह की रचना के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, और यही स्ट्रक्चर है जो फूलों के नेक्टार को, फूलों के मकरंद को चूसने में काम में आती है। जब इसका यूज नहीं हो रहा होता है, इंसेक्ट जब रेस्ट में होता है, जब इंसेक्ट कोई सकिंग नहीं कर रहा है, कोई चूसने काम नहीं कर रहा है, उसमें ये स्ट्रक्चर कॉइल्ड होकर सिमट जाती है, और जब ये साइफन खुलती है, जब ये सकिंग का काम करती है, उसमें ये स्ट्रक्चर रोल जो होता है वो खुल जाता है और काफ़ी लंबा हो जाता है। चूसने काम नहीं होता है तो वापस ये रोल होकर वापस सिमट जाता है। लेबियल लेब्रम जो स्ट्रक्चर है वो छोटी होती है, लेबियल पल 3 segmented होता है, लेबियल लेब्रम का जो बेसल पार्ट है वो काफ़ी छोटा होता है, कंपाउंड आई इसके अंदर वेल डेवलप्ड होती है। तो ये साइफनिंग टाइप का जो माउथ पार्ट्स है ये बटरफ्लाइज में और मोथ के अंदर पाया जाता है, जो मेनली प्लांट के नेक्टर्स को, प्लांट के सेप को जैसे चूसने का काम करते हैं। और लास्ट टाइप जो है दैट इज़ स्पंजी टाइप। इस तरह का जो माउथ पार्ट्स होता है ये मुख्य रूप से अपने घरेलू मक्खियाँ जो होती है हाउस फ्लाई उसके अंदर ये पाया जाएगा। हाउस फ्लाई के अंदर भी आप देख रहे हो इसके अंदर एंटीना इसकी बाईपेक्नेट टाइप की है, मैंडिबल इसमें एब्सेंट होता है, लेब्रम ये देख लो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर के रूप में इसमें कन्वर्ट है, मैक्सिला है वो इसके अंदर डेवलप होती है, और इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो लेबिलम के नाम से जाना जाता है। इस लेबिलम में छोटे छोटे चैनल्स पाए जाते हैं, इनको स्यूडोट्रेकी के नाम से जाना जाता है। लेबिलम के ऊपर जो पार्ट है ये हॉस्टेलम है, हॉस्टेलम के ऊपर वाला जो पार्ट है रोस्ट्रम है, और मैक्सिलरी पल्प में बेसल पार्ट जो होगा वो थोड़ा रिड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर लेब्रम जो होता है वो फूड कैनाल की यहाँ पर फॉर्मेशन करता है, जो एपीफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स के साथ मर्ज हो जाता है। मैंडिबल इंटायरली इसमें एब्सेंट होते हैं, और मैक्सिली एक जोड़ी मैक्सिलरी पल्प के रूप में निरूपित होती है, और लेबियम एक मासल प्रोबोसिस नामक रचना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और लेबियम का बेसल पार्ट है जो ये रोस्ट्रम कहलाएगा, इसका डिस्टल पार्ट जो है वो हॉस्टेलम कहलाता है, और हॉस्टेलम से ये लेबिलम नामक रचना है वो अटैच रहती है, जिसमें मिथ्या ट्रैकी स्यूडो ट्रैकी नामक स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। तो इस तरह इंसेक्ट के अंदर क्लास इंसेक्टा में टोटल 5 प्रकार के माउथ पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव टाइप दैट इज़ बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। ये मेनली ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में, कॉलियोप्टेरा के सदस्यों में, मतलब जो काटने और चबाने का काम करते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। सेकंड जो टाइप है दैट इज़ चीविंग एंड लैपिंग टाइप, ये मुख्य रूप से चबाने का और लपेटने का जैसे काम करेगी, जैसे हनी भी है। पर्सिंग और सकिंग टाइप ये भेदने वाले और चूसने वाले मुखांग होते हैं, इसमें कुछ ब्लड चूसने वाले होते हैं डिप्टेरा के जैसे इंसेक्ट है फीमेल एनोफिलीज क्यूलेक्स, और कुछ जो होते हैं प्लांट सेप को चूसने वाले होते हैं जैसे हेमिप्टेरा के सदस्य हैं। साइफनिंग टाइप के जो मुखांग हैं ये मेनली तितलियों के अंदर, मोथ के अंदर पाए जाएंगे, और स्पंजिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं ये अपने जो घरेलू मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई उसके अंदर ये पाई जाती है। तो 5 तरह के माउथ पार्ट्स हो गए, और प्रत्येक माउथ पार्ट्स में बेसिक जो प्रिमिटिव टाइप का जो माउथ पार्ट है उसमें ये 6 स्ट्रक्चर होती है। लेब्रम सिंगल होती है, एपीफेरिंक्स सिंगल होती है,
मैंडिबल एक जोड़ी होती है, मैक्सिली एक जोड़ी होती है, हाइपोफेरिंग सिंगल होती है, और लेबियम जो होती है ये सिंगल होती है, लेकिन लेबियम की ओरिजिन एक जोड़ी स्ट्रक्चर के फ्यूज़न से बनती है। अब जिस तरह का माउथ पार्ट्स होगा उसके अकॉर्डिंग ये रचनाएँ या तो एब्सेंट हो जाती है या रिड्यूस्ड हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है। तो जितने भी भेदने वाले जो इंसेक्ट हैं, चूसने वाले जो इंसेक्ट हैं, स्पंजी टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं, इनमें मैंडिबल्स का यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंडिबल इसके अंदर एब्सेंट होगा। तो ये एक ओवरऑल एक नट सेल में बहुत ही शॉर्ट में इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स के बारे में। और मैं समझता हूँ एंटोमोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज है उसको आप काफ़ी डीपली इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे, ऐसे में आप सभी से अपेक्षा रखता हूँ। और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तब क्यों आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि एंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें हाईली डिमांडेड है, इसकी मेडिकल कॉलेज में इनकी डिमांड रहती है, मलेरिया डिपार्टमेंट में इनकी डिमांड रहती है, लॉकस्ट डिपार्टमेंट में इनकी काफ़ी डिमांड है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जो इंडस्ट्रीज है उनमें इनकी सबकी डिमांड है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसकी डिमांड है, टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा यूज है, और फॉरेन में आफ्टर पीएचडी विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आप इस कोर्स को बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जाइए, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा आप डेप्थ में जाओगे उतना ही आपका एक्सपर्टाइजेशन जो है वो होता जाएगा। और इसमें जो फंडामेंटल बुक्स हैं उनको आप पढ़ते रहिए, चैपमैन की जैसे बुक है इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिजियोलॉजी पढ़नी हो तो विगल्सवर्थ की किताब है, जनरल मॉर्फोलॉजिकल पढ़नी हो तो गिलट की किताब है, अभी एक किताब अभी रिलीज हुई है क्रैंस्टन की, काफ़ी अच्छी किताब है, इसके अलावा एम्स के दो वॉल्यूम हैं, इंडियन ऑथर्स में आप देखो तो के नैयर की जैसी किताब है, अवस्थी सर की किताब है, तो इंडिया में काफ़ी किताबें हैं, मनी की है जैसे बहुत ऑथेंटिक बुक है बहुत पुरानी टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो इन फंडामेंटल बुक्स को आप पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो, तो आप निसंकोच व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, इन ग्रुप्स के थ्रू आप लगातार संपर्क में रह सकते हैं। एक बार मैं पुणे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।